योगेश्वर जी, आप देश के लिए गौरव हैं, पद्मश्री हैं। आज आप बतौर मुख्य अतिथि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में पधारे हैं, तो यहाँ आके इस तरह के क्षेत्र में इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का होना आपको कैसा लगता है? देखिए, बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात है। आज चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में जो इंटरनिवर्सिटी आयोजित की गई, स्टार्टिंग है, बहुत अच्छी बात है कि 140 यूनिवर्सिटियों के बच्चे यहाँ पे पहलवान पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसे एक, क्योंकि गांव का रूरल एरिया है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से और बच्चों को प्रेरणा मिलेगी अच्छा करने की और देखने की। और यहाँ से मेरा मानना है कि यहाँ नज़दीक गाँव यहाँ जितने भी, यहाँ से भी अच्छे पहलवान निकलेंगे। जी, भिवानी को खेलों के क्षेत्र में हब माना जाता है, विशेष तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के जितने भी बाहर जितने भी प्रतियोगिता हुई हैं, चाहे ओलंपिक हो, तो उसमें हरियाणा का मेडल लाने में विशेष योगदान रहा है, और इसमें आप भी देश के लिए गौरव हैं और युवाओं और खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, तो आपका युवाओं और खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश है? देखिए, भिवानी बिल्कुल रेसलिंग और बॉक्सिंग का हब है, कबड्डी के बच्चे भी अच्छे हैं फिलहाल यहाँ पे, और बॉक्सिंग में तो विजेंद्र है, जितेंद्र कुमार है, काफ़ी बॉक्सर इधर से हुए हैं, दिनेश है, और रेसलिंग में भी अच्छे पहलवान ने भिवानी ने दिए हैं। और हरियाणा का, जहाँ तक हरियाणा सवाल है, तो तकरीबन हर जहाँ भी जितने भी ओलंपिक गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, 50% भागीदारी हरियाणा के खिलाड़ियों की रहती है। और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में हरियाणा साथ फिर हिंदुस्तान का भविष्य जरूर, मैं जितने भी युवा हमारे साथी खिलाड़ी हैं उनको यही है कि डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, कि तभी वो देश का नाम कर पाएंगे। डिसिप्लिन में रहेंगे तो हर तरीके से, किस टाइम खाना है, किस टाइम प्रैक्टिस करनी है, पूरा एक डिसिप्लिन में सारी चीज़ें आ जाती हैं और वो देश का नाम रोशन करेंगे। पर एक ये है कि कोई भी खिलाड़ी खेल खेल दो, अपना जो है सतर ऊँचा करे, अपना जो मानसिक लेवल है ऊँचा करे, बड़ी सोच बनाए, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनने की, उसके लिए मेहनत करे, कोई भी चीज़ अब से दूर नहीं है। तो इस तरह के क्षेत्र में ये जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हुई है, तो आपके हिसाब से क्या इससे यहाँ के युवाओं को और खिलाड़ियों को भविष्य में खेल के प्रति प्रोत्साहन और सरकार की जो खेल प्रोत्साहन नीति है उसको बढ़ावा मिलेगा? देखिए बिल्कुल, ये जो नेशनल लीग जितने भी इवेंट होते हैं, किसी भी खेल का हो या कोई भी टूर्नामेंट हो, अभी ये ऑल इंडिया इंटरनेशनल यहाँ पे जो स्टार्ट हो गया आज से, ये बहुत अच्छी बात है। जो नज़दीक के गांव के जो बच्चे हैं, जो कुश्ती करते हैं, वो देखेंगे और यहाँ पे अच्छे पहलवानों को, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान लड़ते देखेंगे, तो उनके मन में भी एक ये होगा कि हमें भी ऐसे लड़ना है, कुश्ती लड़ना है, लोग हमें भी देखें, हमारे साथ भी फोटो खिंचाएँ। काफ़ी चीज़ें हर खिलाड़ी के लिए अलग चीज़ें होती है, किसी को नौकरी के लिए प्रैक्टिस करता, कोई देश का नाम करने के लिए, ये तक कि कौन बच्चा कहाँ से प्रेरणा ले ले, इसलिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे वजन ऐसे गांव देहात में होने चाहिए। अभी हाल ही में आपके शिष्य बजरंग पूनिया ने देश का नाम रोशन किया है, उसके ऊपर भी कुछ कहेंगे आप? देखिए, बजरंग देश का सबसे उभरा हुआ और युवा खिलाड़ी है, उसने इस उम्र में 24 साल की एज में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की, और उसके पास अभी 5-6 साल और हैं हिंदुस्तान को देने के लिए कुश्ती में। और हमारा मानना है कि 2020 जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक था, उसमें वो देश के लिए गोल्ड जीते, और हमारा मानना है कि वो देश के लिए गोल्ड ले गए। धन्यवाद योगेश्वर जी।